आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। एक माँ जन्म देने वाली माँ है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और एक माँ उससे भी बड़ी माँ है, हम सबकी माँ, हमारी भारत माँ। तो सबसे पहले उस भारत माँ के सम्मान में सब लोग पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, लोकमत समूह के चेयरमैन मेरे मित्र विजय दर्दा जी, लोक मेरे छोटे भाई राघव चड्ढा जी, लोकमत समूह के सभी अधिकारीगण, सभी एडिटर्स, सभी कर्मचारीगण, और आज नागपुर से और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। विजय दर्दा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी। और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग इतनी भारी संख्या में, मैं देख रहा था ऊपर भी सब भरा हुआ है, सब लोग कैसे हैं, सब लोग, आप लोग, आई लव यू टू। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोकमत ग्रुप की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 50 साल बहुत लंबा समय होता है, स्वर्ण जयंती के अवसर पे ये एक तरह से स्वर्णिम यात्रा थी लोकमत ग्रुप की। पूरे देश में मराठी का नंबर वन न्यूज़पेपर और जनता की आवाज बनने वाला मीडिया ग्रुप, नंबर वन न्यूज़पेपर बनना, मीडिया नंबर वन बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसका मतलब जनता आपको प्यार करती है, जनता आपके ऊपर विश्वास रखती है। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार जब आपका डायमंड जुबली होगा तो भी आप हमें बुलाएंगे, और फिर उसके बाद जब 100 साल होंगे, भगवान करे आप खूब तरक्की करें, पूरा ग्रुप खूब तरक्की करे। आज मुझे कहा गया है कि इस टॉपिक पे बोलना है, आम आदमी पार्टी एंड इट्स रोल इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। आम आदमी पार्टी का 2024 के चुनाव में क्या रोल होगा। मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लक्ष्य नहीं है, 2024 का लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य हमारा देश है, हमारा लक्ष्य भारत माता है। हम यहां राजनीति में येन केन प्रकारेन सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, यहां कैरियर बनाने के लिए नहीं आए, अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हम लोग, हम देश के लिए आए हैं, भारत माता के लिए आए हैं। पहली बार जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2013 दिसंबर में, पहली बार मुख्यमंत्री बना, 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। भारत क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वाक्या नहीं है कि 49 दिन में आदमी खुद ब खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे। तो यहां पे सत्ता भोगने और सत्ता
पाने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, देश बनाने के लिए आए। तो 2024 हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है? आप लोग भगवान को मानते हो? कौन कौन मानता है जरा हाथ खड़े करो। मैं भी मंदिर जाता हूं, भगवान को मानता हूं, खूब मानता हूं। जब भी मंदिर जाता हूं, कभी तीर्थ स्थान जाता हूं, कभी सुबह उठ के जब पूजा करता हूं भगवान की, तो जब आदमी मंदिर जाता है भगवान के पास, भगवान के साथ बात करता है, तो कई बार कुछ मांगता है। मैं भी मांगता हूं, दो चीजें मांगता हूं। एक तो ये कि हे प्रभु, मेरा भारत जल्द से जल्द दुनिया का नंबर वन देश बने। और उसे नंबर वन देश बनाने में जो भी मैं रोल अदा कर सकूं, मैं वो रोल अदा करूं। तो 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, केजरीवाल का क्या रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं भगवान से मांगता हूं कि हे भगवान, जब तक मैं अपने देश को दुनिया का नंबर वन देश ना देख लूं, मुझे इस पृथ्वी से मत उठाना, तब तक मुझे मौत मत देना। मैं भारत को नंबर वन देश देखने के बाद ही मरना चाहता हूं, उसके पहले मैं मरना नहीं चाहता।